नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद सर, बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर और माय डेसिंग इंडिया के माध्यम से आज हम सूट की जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, अधिकांश जो लोग हैं वो सूट को प्रॉपर वे में यूज नहीं करते और स्पोकन इंग्लिश में सूट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कि सूट का जो मीनिंग होता है ना, सूट का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, हम इंग्लिश में चाहिए। जैसे मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे कार चलाना चाहिए, मुझे 10 घंटे काम करना चाहिए, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मतलब ये चाहिए जो हम है इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो उस चाहिए के लिए जो हम यूज करते वो है शुड, ठीक है। तो शुड, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शुड, सूट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए, जब भी आप सूट यूज करोगे तो सूट के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड्स, ठीक है। तो सूट एक मॉडल ऑग्जिलरी वर्ब्स है और हम जो चाहिए के कंसेप्ट में हम मॉडल ऑग्जिलरी के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। और इसके अलग भी यूज है, जो एडवांस जो रूल है वह मैं 2000 स्ट्रक्चर के सीरीज में मैंने एक्सप्लेन किया हो। अभी तो आपको यहाँ पे सिर्फ उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना है। तो हम स्पोकन इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं कहूँगा कि मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो फिर क्या होगा? आई, ये सब्जेक्ट, मुझे, ये सब्जेक्ट है तो मुझे के लिए आए। फिर चाहिए, ये यहाँ पर आपका वर्ब फॉर्म है, मतलब बोलना चाहिए, ये आपका ये वर्ब हो गया, ठीक है। तो आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश। तो इसका यूज क्या है? शुड जो होता है, जब हम किसी को सजेशन देते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरल सजेशन देने के लिए, जनरल एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। या खुद के लिए भी अगर हम कोई रूल्स है उसके बारे में हम सजेशन दे रहे हैं तो जनरली इसका जो मुख्य जो यूज है वो सजेशन और एडवाइस के रूप में भी हम यूज करते हैं, या फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस को भी हम फॉलो करने के रूप में हम इस सूट का यूज करते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर में इसके डिटेल यूज बताया जाएंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, रमेश को कम से कम 10 घंटे पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या सेंटेंस होगा? रमेश शुड लर्न एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट 10 आवर्स, ओके, 10 घंटे पढ़ना चाहिए अगर एक दिन में, तो फिर रमेश शुड लर्न एटलीस्ट 10 आवर्स इन अ डे। आप इसको और सेंटेंस को आप लेंथी बना सकते हो, ठीक है। चलिए हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है ना, जो नेगेटिव फॉर्म में है ना, ये जो है स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, हम इसकी नेगेटिव के सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड, ओके, सब्जेक्ट, देन शुड, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स, ओके। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे? मुझे कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, मुझे चाय नहीं पीना चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये हम ऐसे आम चाल और जनरल रूटीन में ये ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हैं। तो उसके लिए हम निगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ नहीं करना चाहिए उसके सेंस में हम निगेटिव सेंस यूज करेंगे। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। मुझे यह किताब
नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, मुझे ये किताब नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर क्या होगा, आई शुड नॉट रीड दिस बुक, ठीक है, मुझे ये किताब नहीं पढ़ना चाहिए। किशोर को अभी कार नहीं चलाना चाहिए, किशोर को अभी कार नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, किशोर, क्योंकि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है किशोर, ठीक है, तो हमने लिखे किशोर, फिर शुड नॉट कार चलाना, तो उसके लिए ड्राइव, शुड नॉट ड्राइव अ कार, ठीक है, ये जो नाउन है और हम यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर नंबर थर्ड में हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में देखेंगे भी, इसका जो निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन है उस निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम सोचेंगे भी, तो फिर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस शुडंट, वहां पे नॉट यूज किए थे तो नॉट का भी क्या होगा, शुडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब शुड और नॉट है ना, इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है शुडंट, शुडंट, ठीक है, किसी वर्ब का, किसी हेल्पिंग वर्ब्स का या ऑक्सिलरी वर्ब्स का या किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का शॉर्ट फॉर्म हम उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन किसी वर्ड का अगर शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं तो उसको एब्रिविएशन कहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और एब्रिविएशन के इस डिफरेंस को आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है, ठीक है, अगर हम किसी वर्ब का, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का या हेल्पिंग वर्ब्स का अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का मैं शॉर्ट फॉर्म डीआर लिखूंगा, तो ये मेरा ये क्या होगा, एब्रिविएशन होगा, ठीक है, मिस्टर है, मिस्टर का मैं एमआर लिखूंगा तो ये होगा एब्रिविएशन, ठीक है, लेकिन यहां पर ये इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, इसको एब्रिविएशन नहीं कहेंगे, ठीक है, जनरली ऐसे एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए सेंटेंस क्या होगा, मैं कहूंगा कि मुझे चाय नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ठीक है, तो फिर होगा इसका सेंटेंस, आई शुडंट ड्रिंक टी, और टी नहीं लिखना है ना, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, उन्हें खेत में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो फिर इसका होगा दे शुडंट गो टू द फील्ड, गो टू द फील्ड, ओके, तो दोस्तों देखिए हमने स्ट्रक्चर नंबर थ्री में इसके कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल देखे, जैसे पहला एग्जांपल है मुझे चाय नहीं पीना चाहिए, आई शुडंट ड्रिंक अ टी, सेकंड उन्हें खेत में नहीं जाना चाहिए, तो दे शुडंट गो टू द फील्ड, तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को अगर आप बनाते हो तो सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर देना चाहिए, ठीक है, अगर आपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता, तो वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों वर्बल टाइप में शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव साइन, ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वर्बल टाइप क्वेश्चंस जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं और दूसरा है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस, ओके, तो इस वर्बल टाइप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल वे है विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, चाहे आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो या कैसे कोई भी हो, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर हमने शुड इन द बिगिनिंग हमने यूज किए,
ठीक है, तो ये इन द बिगिनिंग यूज होंगे और इसका आंसर सिर्फ हम येस या नो में देने से भी वन कैन अंडरस्टैंड इजीली, जो कोई भी एक समझेगा। अगर मैं कहूँगा कि क्या मुझे किताब पढ़ना चाहिए, तो आंसर जो है अंडरस्टूड है, येस आर नो, मैंने कहा हाँ हाँ ना। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे चश्मा लगाना चाहिए, क्या मुझे चाय पीना चाहिए, क्या मुझे नया मोबाइल खरीदना चाहिए, क्या मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्या मुझे उसके बात मानना चाहिए, तो ठीक है, तो क्या, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में इंटरोगेटिव साइन, तो फिर क्या होगा, शुड आई अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है, क्या मुझे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना चाहिए, क्या मुझे इस किताब को खरीदना चाहिए, तो फिर इसका होगा शुड आई परचेस दिस बुक। तो देखिए दोस्तों, इन दो सेंटेंस के माध्यम से हमने शुड प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंटरोगेटिव साइन, इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया। और हम इजीली, अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा ना, तो स्ट्रक्चर के बेस पर आप कई सारे एग्जांपल बना सकते हो। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर में क्या होगा करके। तो मेरे नेक्स्ट पार्ट में हम और भी शुड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर और माई डैश इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे स्पोकन इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट और एडवांस स्ट्रक्चर भी आएंगे। और जो 2000 स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ है, मैंने बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। और हमारे जो दोनों ऐप्स है, माई डैश इंडिया में प्ले स्टोर में जाके माई डैश इंडिया ऐप और बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर, इस ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट और उसके नोट्स भी आपको दिखाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।